नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नेहा। मैम कब से जुड़े हो आप डेरे से? 5 साल हो गए। आते हो आप डेरे? हाँ जी, 1 महीने के बाद आते हैं 10 तारीख को। कैसा माहौल देखा मैम? बहुत अच्छा माहौल है और सतगुरु ने इतनी मतलब की कृपा बख्शी है कि मन ही नहीं करता यहाँ से जाने को। मैम लड़कियाँ जो आती हैं डेरे वो कितनी सुरक्षित हैं? बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, सभी सेफ है यहाँ पे। मैम आप कहते हो कि लड़कियाँ इतनी ज़्यादा सुरक्षित हैं यहाँ पे, मगर मीडिया चैनलों पर आपने भी देखा होगा क्या कुछ नहीं दिखाया गया, आखिर क्या कहना चाहोगे इस बारे में? इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि जो भी मीडिया ने बताया ये बेकार की फालतू बातें हैं, कोई भी ऐसा यहाँ पे नहीं है। क्योंकि जब सतगुरु का ऐसा माहौल इन्होंने बनाया था तब भी हम यहीं पे आते थे, तब भी सेफ थे, अब भी सेफ है। मैम आप कहते हो डेरा सच्चा सौदा में इतनी सेफ संस्था है, कुछ कार्य करें उन्होंने समाज भलाई के लिए? बहुत ज़्यादा, जितने सतगुरु ने किए हैं कि हम बयान ही नहीं कर सकते हैं, मानता भलाई के, सफाई के, लड़कियों की शादी के, मतलब इनके तो बयान ही नहीं कर सकते कितने मानता भलाई के काम चल रहे हैं यहाँ पे। मैम आप कह रहे हो मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, फिर आखिर संत जी पे क्यों एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्यों एक समाज सुधारक को बदनाम किया जा रहा है? ये तो लोगों की फालतू की बातें हैं, करते हैं, करते रहेंगे, सतगुर हैं, सतगुर थे, सतगुर ही रहेंगे। मैम आज डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख हैं वो समाज में नहीं है, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पे संत जी के ना होने का? जेकर यहाँ पे संत जी नहीं है ना तो यहाँ पे हम सुरक्षित नहीं हैं, संत रहेंगे तो हम हैं। सरकार से क्या अपील करोगे मैम? सरकार से क्या अपील करोगे? यही करेंगे कि हमारे सतगुरु यहाँ पे जल्दी से जल्दी आए। मैम आप क्या संदेश देना चाहोगे उन लोगों से जो कि सिर्फ मीडिया चैनलों की बातों को सुनकर, आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हैं और जो भी वो डेरा, मैं तो यही मीडिया से कहूँगी कि ये फालतू की बातें हैं, कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है, हमारे सतगुरु बिल्कुल सही हैं, हमारी संगत भी सही है, ये रोप लगे हैं बिल्कुल बेकार लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है जो लड़कियाँ हैं वो यहाँ सुरक्षित हैं। लगातार महिलाओं का ये कहना बहुत बड़ी बात है, वो भी इतिहास गवा रहा है, इतने बड़े जो गवाह हैं वो किसी संत की तरफ से नहीं आए, तो कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ चंद सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई थी या फिर व्यक्तिगत रूप से जो लोग सामने आ रहे हैं, ये है डेरा सच्चा सौदा का असली सच। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।